हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन हिस्ट्री मेक्स सिंपल या हिस्ट्री मेक्स इजी आर सिंपल। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। लाल कुंवर के बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि लाल कुंवर औरंगजेब की प्रेमिका का नाम था। बाद में इससे बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम लोग कहते हैं मोहम्मद मुअज्जम, और जहांदार शाह भी प्रेम करने लगता है। एक ऐसी तवायफ जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की दशा और दिशा बदल करके रख दी थी, उसका नाम है लाल कुंवर। हिस्ट्री के इन छुपे हुए रहस्यों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। कुछ स्लाइड्स के थ्रू हम लेकर के आए हैं कि लाल कुंवर ने कैसे पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में परिवर्तन किया था, जिस मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े निर्माता जिसका नाम है औरंगजेब, जिसके समय में हम ये मानते हैं कि मुगल साम्राज्य सबसे ज़्यादा विकसित हुआ, सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ, वह मुगल साम्राज्य एक हिंदू महिला के पीछे पागल था। उसका नाम था लाल कुंवर। ठीक है, लाल कुंवर के बारे में, लाल कुंवर एक ऐसी तवायफ थी जिसने मुगल बादशाह जहांदार शाह को मोह लिया। उसकी प्रेम कहानी, सत्ता पतन की गाथा, ये जानिए इस रहस्यमयी महिला के बारे में, जो दिल्ली की तूती बनी थी। दिल्ली में इसका सिक्का चलता था, इसके फरमान से पूरा प्रशासन हिलता था। लाल कुंवर एक ऐसी कहानी जिसको इतिहास में बहुत कम लोग जान पाए हैं। आइए स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लाल कुंवर का परिचय। तानसेन की वंशज लाल कुंवर प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के वंश से थे। उसका जन्म खसूरियत खान के घर में हुआ था। तो इसका संबंध अकबर समकालीन तानसेन के समय से होता है। आपको कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तानसेन के गुरु का नाम क्या था, तानसेन अकबर के नवरत्नों में कब शामिल हुए थे। अगर इतना बताएंगे तो इस प्रेम कहानी के बताने का मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा कि मैं आपको कैसे कहानियों के माध्यम से इतिहास के अलग अलग पड़ावों पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, गायन वादन नृत्य में निपुण थी। उसकी कला में कई लोगों को मोहित कर दिया था। कहते हैं सुंदर चीज़ में अगर कला का समावेश हो जाए तो उसकी जो प्राइस होती है वो प्राइसलेस हो जाती है, अमूल्य हो जाती है, कोई उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता है। इसलिए कलाकार को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है कि वो जीवन में अगर किसी सेलिब्रिटी के दर्जे को पाने की कोशिश की जाए, उसमें आर्ट एंड कल्चर में सिंगिंग, डांसिंग, मुद्राएं, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आकर्षक व्यक्तित्व था, उसकी सुंदरता और प्रतिभा ने उसे दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध तवायफ बना दिया था। इससे चोरी चोरी औरंगजेब भी मिलता था, और कहते हैं औरंगजेब के शासन पर इसकी छाप दिखनी शुरू हो गई थी। मोहम्मद मुअज्जम के शासन में इसकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इसीलिए मोहम्मद मुअज्जम को क्या कहा गया, साहिब-ए-खबर कहा गया, कि एक तरफ मुगल प्रशासन अपनी सत्ता नहीं संभाल पा रहा है और दूसरी तरफ मराठा उसके लिए सरदर्द बने हुए हैं, और दूसरी तरफ वो लाल कुंवर के प्रेम में डूबा हुआ है, इसीलिए उसका नाम साहिब ए खबर रखा गया था। तो साहिब ए खबर के पीछे जिस महिला का नाम है, उसका नाम है लाल कुंवर। महिला अगर साम्राज्य निर्माता है तो साम्राज्य के पतन में भी उसका रोल है। यही बात बताने के लिए इस प्रेम कहानी को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मोहम्मद मुअज्जम के बाद इनके जीवन में जहांदार शाह आता है, और जहांदार के शाह के पूरे 1 साल के कार्यकाल में लाल कुंवर के ही शासन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उसे लंपट मूर्ख भी कहा गया, घृणित कायर भी। घृणित कायर तो फारूक शेर को कहा जाता है, इसे लंपट मूर्ख कहा गया। कैसे? जहांदार शाह ने लाल कुंवर को पहली बार गाते सुना और उसकी आवाज पर मुग्ध हो गया वो। तो कहते हैं ना, अगर सुंदरता के साथ ईश्वर ने कोई भी आपको इज्जत नवाजी है, कोई भी हुनर नवाजा है, तो उस हुनर के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में अपना बड़ा काम कर सकते हैं। बढ़ता आकर्षण, दोनों के बीच आकर्षण गहरा होता गया। जहांदार साहब उसे बार बार गाने के लिए कहता था, और धीरे धीरे दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियां बढ़ गई कि कोर्ट के सारे फैसले यही करने लगी, कौन नियुक्त होगा कौन नहीं होगा। इस हद तक उसका इंटरवेंशन बढ़ गया कि उसके दरबार के सारे अधिकारी परेशान रहने लगे। अंत में प्यार का इजहार जल्द ही आकर्षण प्यार में बदल गया, और जहांदार शाह ने उसे अपनी महबूबा मान लिया। इस लेवल पर उसका हस्तक्षेप बढ़ गया था कि जहांदार शाह के कार्यकाल में, कहते हैं ना,
कि मुगल दरबार में जो ज़्यादा जो है शौकीनियाँ बढ़ने लगी, जो ज़्यादा लोगों की परेशानियाँ बढ़ने लगी, उसमें विषय प्रेम भी एक प्रेम था कि लोग अब अपनी अय्याशियों को वैधानिक स्वरूप देने लग गए थे। इसीलिए कहा गया है कि मुगल साम्राज्य में जो छेद हुआ था वो शाहजहां के कार्यकाल में हुआ था। उसे एक गड्ढे के रूप में किसने कन्वर्ट किया था? उसे एक गड्ढे के रूप में औरंगजेब ने कन्वर्ट किया था, और उसी गड्ढे के साम्राज्य में आकर के पूरा। उसे झील के रूप में किसने कन्वर्ट कर दिया था? उसे झील के रूप में जहांदार शाह ने कन्वर्ट किया था, जिसमें पूरा मुगल साम्राज्य समा गया था। छेद शुरू किया किसने? शाहजहां ने। गड्ढे में पर कन्वर्ट किया किसने? औरंगजेब ने। और उसे झील में परिवर्तित किया किसने? जहांदार शाह ने, जिसमें पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य समा जाता है। अगर राजा विषय प्रेम में लिप्त रह गया तो राजा कभी शासन नहीं कर पाएगा। और इसका विषय वानगी ये है कि लाल कुंवर ने कैसे तीन तीन राजाओं के पूरे करियर को समाप्त किया था। इसके आकर्षण में तीन राजा फंसे थे, पहले थे औरंगजेब, दूसरे थे मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, और तीसरे थे जहांदार शाह। इन तीनों ने एक महिला के आकर्षण में आकर के साम्राज्य के शानो शौकत को दांव पर लगा दिया था। चौथी स्लाइड, जहांदार से बेगम इम्तियाज महल का क्या रोल है, आइए देखते हैं। लाल कुंवर को इम्तियाज महल का खिताब दिया गया है। जहांदार शाह ने बादशाह बनते ही लाल कुंवर से निकाह कर लिया था। हमने बताया कि इसका लगातार राजघराने में आना जाना शुरू था। किसके कार्यकाल से? औरंगजेब के कार्यकाल से। और इसे लाल कुंवर को इम्तियाज महल का खिताब किसने दिया था? जहांदार शाह ने दिया था। तो ये टाइटल इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। टाइटल जब राजा किसी को हैंड ओवर किया जा रहा है, चाहे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, हम बार बार परीक्षा की दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं। पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण में अंतर क्या है, दोनों में डिग्री का क्या डिफरेंस है? यहाँ एक टाइटल एक तवायफ को दिया जा रहा है, और वो तवायफ इतना ज़्यादा इंटरवीन कर रही है शासन में कि बाद में यही मुख्य प्रशासिका बन जाती है। तो इम्तियाज महल का टाइटल किसको मिला है? लाल कुंवर को मिला है। राजसी ठाट, उसे हर साल 2 करोड़ रुपए भत्ता मिलता था। सोच लीजिए ये दशा थी, जहांदार शाह की ये कंडीशन हो गई थी कि 2 करोड़ रुपए वो अपनी एक वैश्या पर खर्चा करता था जिसका नाम था लाल कुंवर। तीसरा है परिवार को लाभ। लाल कुंवर के भाई को मुल्तान की जागीर तक दे दी गई थी। ये इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसको आपको जानना ही पड़ेगा। अगर आपको इतिहास में लगता है कि अच्छे अंक आने चाहिए, इतिहास के पर्दे के पीछे छिपे कुछ फैक्ट जिसने इतिहास में परिवर्तन का कारण बनाया, जब इफिशियंसी जब भी प्रभावित होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होगा। और समाज में तीन प्रकार की समस्याएं होती हैं, जर जोरू जमीन, या तो जमीन जायदाद होगी, या तो कोई महिला होगी, और या तो चल संपत्ति होगी। इस तरह से तीन कारण हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये कवर किया है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया। जैसे लाल कुंवर राजनीति में दखल देने लिए वो युद्ध के मैदान में भी चली जाती थी, जबकि युद्ध के मैदान में महिलाओं का जाना वर्जित था। हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी इसलिए पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर पाए क्योंकि वो सारी महिलाओं को लेकर के युद्ध क्षेत्र में चले गए थे, और ये उसके लिए बहुत सॉफ्ट एरिया हो गया कि महिलाओं पर अटैक करके उसने बैकफुट पर डाल दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान, जिसे वो प्रदर्शन का केंद्र बिंदु मानते थे, वो उनकी कमजोरी थी। परिवार के साथ अपने भाइयों दोस्तों को ऊंचे ओहदे दिलाए, शाही परिवार पर प्रभाव डाला। एक बार उसने जहांदार शाह को अपने बेटों को जेल में भेजने पर मजबूर कर दिया। ये कंडीशन थी उसकी, वो मुगल बादशाह में उसकी तूती बोलती थी। इस तरह से उसका इनके जीवन में बहुत जबरदस्त रोल हुआ, बढ़ गया था लाल कुंवर का। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये कवर किया है सत्ता का दुरुपयोग के साथ जैसे शराब का नशा। जहांदार साहब, लाल कुंवर दोनों शराब के शौकीन थे, वो अक्सर नशे में धुत रहते थे। कहते हैं ना कि सत्ता के दुरुपयोग के लिए एक ही बुराई काफी है। अय्याशी के साथ साथ इन्होंने शराब का भी सेवन शुरू कर दिया था, और उस शराब के नशे में
दोनों धूत रहने लगे, जिससे समाज में एक आदर्श आचरण का अभाव हो गया और इनकी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगी। राजसत्ता के प्रति लोगों का मोह भंग होने लगा, क्योंकि राजा से लोग अच्छे आचरण की उम्मीद करते हैं। शाही सैर बैलगाड़ी पर दिल्ली और आगरा के बाजार में घूमते थे, कभी कभी नशे में बेसुध भी हो जाया करते थे। ये इनका हाल चाल था। उनकी अयासी से मुगल दरबार की इज्जत गिरने लगी, कई लोग नाराज रहने लगे। ये इनके चरित्र का आलम था। ये प्रभाव पड़ रहा है, प्रेम कहानी का क्या असर होता है, ये मैंने स्लाइड में कवर किया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर करके आपको ये बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड में ये कवर किया कि शाही परिवार का विरोध, औरंगजेब की बेटी और जीनतुर निशा लाल कुंवर ने नफरत करती थी, ये कंडीशन थी उनकी। उसकी अपनी ही बेटी उसका विरोध कर रही थी, और जब अपनी ही बेटी के विरोध का उसे सामना करना पड़ा, फिर भी औरंगजेब इसे नहीं निकालता है। दरबारियों का असंतोष, कई दरबारी जहांदार शाह के बदले व्यवहार से नाखुश थे। इतिहासकारों की आलोचना, इतिहासकार इस काल को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मान लेते हैं। इस दृष्टि से भी इस प्रेम कहानी को देखा जाता है, तो इसको इस लेवल पर भी ले जाकर के आपको समझने की आवश्यकता है। साम्राज्य का पतन 1713 में जहांदार शाह आगरा की लड़ाई में अपने भतीजे फारूक शेर से हार जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। परिवार में ही विद्रोह शुरू हो गया था, औरंगजेब की बेटी इसका विरोध करने लग गई थी। जहांदार शाह लाल कुंवर दोनों को सलीमगढ़ में कैद कर दिया गया और जहांदार शाह की मौत 11 फरवरी 1713 को फारूक शेर के आदेश पर जहांदार शाह की हत्या कर दी गई। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी 1713। एक महिला के प्रेम में पागल एक व्यक्ति जो 3 पीढ़ियों से एक ही दरबार में राज दरबार को अपना केंद्र बनाए हुए थे, उसका नाम था लाल कुंवर। घृणा और प्रेम की ऐसी प्रेम कहानी आपको इतिहास में शायद ही कम देखने को मिलती है। लाल कुंवर का अंत, लाल कुंवर की ये स्थिति देख लीजिए, स्थान, स्थिति, जीवन और अंत, यह है लाल कुंवर की अंतिम तस्वीर। जिस सौंदर्य के बल पर उसने पूरे साम्राज्य को अपने बस में किया था, सुहागपुरा विधवाओं का निवास, स्थिति कैद में, जीवन एकाकी और दुख, और अंत वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो सुहागपुरा कहाँ पर है, ये टिप्पणी करके आपको बताने की आवश्यकता। इस तरह से लाल कुंवर का अंत होता है। लास्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि ऐतिहासिक महत्व क्या है। ऐतिहासिक महत्व जान लीजिए जो आपके लिए काम का है। लाल किला, लाल कुंवर ने यहाँ बेगम के रूप में समय बिता और उसकी कहानी का गवाह है। यह है लाल किला में इसके रहने का स्थान। लाल बंगला, यह स्थान लाल कुंवर का मकबरा माना जाता है, यह उसकी स्मृति का प्रतीक है, यह लाल बंगला। ऐतिहासिक दस्तावेज, लाल कुंवर की कहानी मुगल काल की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है, यह उसकी स्टोरीज को कवर किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप लाल कुंवर के ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस को भी समझ पाते हैं। अगर आपको लगता है कि इन कहानियों के माध्यम से भी इतिहास को पढ़ा जा सकता है, आपको मेरी गाइडेंस में लगातार कहानियों के माध्यम से इतिहास को सरल ढंग से पढ़ने के तरीके में आपको परिचित होना है, तो आपसे निवेदन है कि एक बार आप गुरुकुल का विजिट जरूर करें। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के साथ साथ विषय को सरल बना करके प्रस्तुत करने के, कहते हैं सुंदर चीज़ को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी कयामत की अदा होती है। सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और उस मेथड को एडाप्ट करने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है जिसका नाम है ओजांग IAS। ओजांग गुरुकुल में आप अगर आना चाहते हैं तो ये 2 वर्ष का प्रोग्राम लीजिए और अपने करियर को नई दिशा दीजिए। सफल लोगों के साथ सफल कहानी कहने की जो प्रथा इस संस्था ने प्रारंभ की है, उसका पार्ट बनिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। इस उम्मीद के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।